नमस्कार दोस्तों, ये पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी दुर्गा माँ का फोटो का वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अलाइट मैसन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और दोस्तों इधर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और 9x16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है और इधर आपको बैकग्राउंड ब्लैक ही रख देना है और इधर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट लिखा है उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका म्यूजिक है वो इधर ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर म्यूजिक ऐड कर दिया और उसी तरह से आपको इधर बिटकॉइन कर लेना है क्योंकि देख सकते हो इधर आपको साइड में प्लस का छोटा वाला ऑप्शन दिख रहा है तो उधर करेंगे तो आपके जो सॉन्ग रहेंगे वो काफ़ी क्लासिक रहेगा और उसी तरह से आप इधर बिट मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर बिट मार्क कर दिया और उसी तरह से थोड़ा आगे जाएंगे तो उसी तरह से बिट मार्क कर देंगे। आपको सॉन्ग सुनकर आपके बिट मार्क लगाने जो कि आपका सॉन्ग सुनेंगे तो उसके हिसाब से आपका सॉन्ग काफ़ी अच्छा और क्लासिक दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर लगा दिया और उसी तरह से आपको भी लगा देने हैं। उसी तरह करने के बाद दोस्तों इसमें आप किस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हो तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सब में पूरे में लगा देने हैं। लगा देने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और इधर से आपको एक इमेज ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख तो उसी तरह से मैंने पहले से इमेज बना के रखी है वो इधर ऐड कर दिया। तो दोस्तों इस इमेज को आप बनाना चाहते हो तो मैंने ये दूसरे वीडियो जो कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से आप आसानी से वीडियो देख सकते हो कि आप इसे किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे हम इसी तरह से रोटेट कर देंगे जो कि देख सकते हो दोस्तों इधर 90 डिग्री इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद दोस्तों इसे हम कुछ इसी तरह से फुल कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इसे सही से सेट कर देना है। सही से सेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं हम छोटा कर देते हैं और उसी तरह से इसे सेंटर में रहने दे देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना। करने के बाद दोस्तों इसे आपको उतना ही कर देना है जितना आपका सॉन्ग पे आप एंडिंग ना किया था जो कि जितना आपने बीट मार्क किया उसके हिसाब से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर फुल कर देता हूँ जो कि आपका जो सॉन्ग रहेगा सॉन्ग के हिसाब से ही आपके जो बीट मार्क है उसके हिसाब से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर से आपने कितने पे किया था वो बीट मार्क उसके हिसाब से इधर देख लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह मैं इधर क्योंकि पीछे वाला भाग है वो कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों इधर से आपको जो इफेक्ट है वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर क्लिक करूँगा या यहाँ से कॉपी कर दूँगा इफेक्ट को। तो दोस्तों उसी तरह से आपको भी इफेक्ट को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसमें आपको सिंपली उसी तरह से पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो देख सकते हो आपका वीडियो तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी आपके सॉन्ग के साथ ही चेंजिंग होगा जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से आप इधर सॉन्ग चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से आपका जो सॉन्ग चलेगा उसके हिसाब से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इसमें आप कलर चेंज करना चाहो तो वो भी इधर देख सकते हो। तो दोस्तों इधर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है उधर क्लिक करना है यहाँ से आपको उसी तरह इसे जूम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर फुल जूम कर दिया। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है उसी तरह इधर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उधर क्लिक करना है और यहाँ से एक इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो जो कि दोस्तों देख सकते हो इधर आपको सुई शिफ्ट करके या उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको 3+ कर देना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको 3+ कर देना है और आपके कलर रहेगा वो काफ़ी क्लासिक चेंजिंग होगी जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से आपको इधर 3+ कलर कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे आपको क्या करना है पहले आपको उसी तरह से इसे 0+ कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला ऑप्शन लगाना है और उसी तरह से इसे आपको उसी तरह से इसे एंड वाला है उधर भी प्लस वाला ऑप्शन लगा देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह आपका सॉन्ग इधर 3+ रहेगा तो काफ़ी कलर चेंजिंग रहेंगे जो कि इसे आप जूम भी कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको 3+ कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर से आपके जो कलर चेंजिंग होंगे उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा और उसी तरह इसे क्लिक करके उसे भी उतना ही बड़ा कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इतना बड़ा कर देना है जो कि आपका सॉन्ग रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से मैंने इधर फुल कर दिया। करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इसे आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको इसे थोड़ा कम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर हमने कर दिया और करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको खींच के कुछ इसी तरह से इसे 10+ कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर
10 पे कर देता हूँ तो आपका सॉन्ग रहेगा, सॉन्ग के साथ ही आपके कलर रहेंगे वो काफ़ी चेंजिंग रहेंगे, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको इधर एक्स्ट्रा भाग रहेगा उसे आप कट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर एक्स्ट्रा भाग रहेगा वो उसे आपको कट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर एक्स्ट्रा भाग है वो कट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर एक्स्ट्रा भाग को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों इधर आपको क्या करना है, उसी तरह इस पर क्लिक करना है और इधर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको तो दोस्तों लाइटिंग में जाना है यहाँ से आपको। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको आपका जो इधर आपको मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका सॉन्ग रहेगा उसका कलर काफ़ी चेंजिंग रहेगा, जो कि देख सकते हो दोस्तों इसी तरह से आपके जो सॉन्ग के हिसाब से आपका कलर रहेगा वो काफ़ी क्लासिक चेंजिंग होगा, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से आप भी अपने मोबाइल में क्लासिक सॉन्ग बना सकते हो, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से चेंजिंग रहेगा और आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा और इसमें आप किस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको फोटो ऐड करके भी दिखा देंगे जो कि इधर से आप किस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से करने के बाद इधर से एक्स्ट्रा रहेगा वो भाग वो कट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह आपको फोटो में भी रहेगा तो वो भी आपको कट कर देना है। इसी तरह प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको फोटो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर फोटो ऐड कर देता हूँ। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर फोटो को कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक कर देना है, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर जो आपका बिट मार्क है उसे हिसाब से रख देना है। रखने के बाद दोस्तों उसी तरह से इधर आपको एक्स्ट्रा भाग है वो कट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको एक्स्ट्रा भाग को कट कर देना है और उसी तरह से आपको दूसरा इमेज भी ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से इमेज ऐड कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से आपको इधर फिल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद दोस्तों इसी तरह से आपका फोटो रहेगा वो सेट हो जाएगा और उसी तरह से आपको आगे वाले डॉट पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर तीसरा पोस्ट भी ऐड कर देता हूँ और तीसरा पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी कर देना है। करने के बाद आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा, जो कि आपका सॉन्ग सुन सुन के आपको बिट्स लगाने हैं, जो कि आप कौन सा भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो इसमें और आपके मोबाइल में इफेक्ट ऐड कर सकते हो, किसी भी तरह से इफेक्ट ऐड करके उसी तरह से आपको सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इधर इफेक्ट ऐड कर सकते हो। उसी तरह करने के बाद दोस्तों इधर प्लस वाला आइकन पर और थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर एक्स्ट्रा भाग को कट कर देंगे और उसी तरह से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको एक इफेक्ट ऐड कर देना है, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह से मैं इधर एक इफेक्ट कॉपी कर दूंगा, जो कि हमारा वीडियो उसके हिसाब से आपका जो सॉन्ग रहेगा उसके हिसाब से आपका वीडियो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से इधर से मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी इफेक्ट को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपके वीडियो में वापस आ जाना है और वापस आने के बाद दोस्तों इधर से आपको देख लेना है आपका सॉन्ग रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा और काफ़ी अमेजिंग दिखेगा। उसी तरह से दोस्तों इधर क्लिक करना और यहाँ से आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका सॉन्ग चलेगा, उसी तरह से आपके वो इफेक्ट है वो नीचे आएंगे और उसी तरह से आप अपने मोबाइल में क्लासिक एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इसी तरह से आपके फोटो रहेंगे वो काफ़ी क्लासिक और चेंजिंग भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, जो कि देख सकते हो दोस्तों उसी तरह आपको सभी फोटो कर देने हैं। और दोस्तों इसे वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो इधर आपको थ्री डॉट दिया आपको इधर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए तो उसी तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से आप वीडियो का आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।